नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में लोग मेरे से पूछते रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि ना कोई सब्जी कूटनी पड़े, ना कोई पत्ते, कोई हर्ब्स इधर उधर से इकट्ठे ना करने पड़े। उनको कोई ऐसा टॉनिक, ऐसा कोई कंपोनेंट, ऐसा कोई सिरप मिल जाए जो जिसमें ये सारी चीज़ें हों, नीम, गिलोय, ये सब चीज़ें जिसमें पड़ी हों और वो बना बनाया ऑथेंटिक भी हो, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हों। जिन लोगों को बार बार बुखार आता है, जिन लोगों को कोई ऐसी समस्या है जो बॉडी में बार बार देखने को मिलती है, बार बार दस्त लगना, बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, बार बार वायरल फीवर होना, बार बार टाइफॉइड होने की समस्याएं, बार बार स्किन की समस्या होने, ये सारी प्रॉब्लम, इसमें बॉडी को डिटॉक्स करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली लीवर का बहुत बड़ा रोल रहता है। लीवर के अलावा और किडनी की जो फिल्टर करने की जो समस्या है, जो पावर है, जो उसको इम्प्रूव करने के लिए कभी समस्या ना आए, इसके लिए कोई सिंगल मेडिसिन क्या होम्योपैथी में हो सकती है, कोई जिसे कोई सिंगल पेटेंट या कुछ हो? तो हाँ, वो है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में। और कई साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ स्किन के सभी पेशेंट को, जिनको बार बार टाइफाइड आता है, जिनको बार बार स्किन इन्फेक्शन होता है, जिनको बार बार झाइयाँ जो आती हैं, बार बार फंगल होते हैं, फंगस के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, सिर में, ग्रोइन एरिया में, इधर बार बार शरीर में खुजली रहती है, रात को खुजली रहती है, बेचैनी शरीर में देखने को मिलती है, बार बार डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, बार बार बुखार आता है, ऐसे सभी लोगों को मैं सिरप को देता हूँ। सिरप है सारसा सिरप है, वीजल कंपनी का आता है। और इसके मेडिसिनल जो कंपोजिशन है वो आप देखेंगे तो इसमें सरसा परिला है, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने की बहुत अच्छी रेमेडी है, किडनी की फंक्शन को इम्प्रूव करने की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें एजार्डी रेस्टा इंडिका है, नीम से बनी। आप नीम समझिए कितना इम्पोर्टेंट हर्ब्स है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है स्किन के लिए भी, और जितने पैराजाइट आंतों में रहती है ना, चाहे वो टाइफाइड का क्यों ना हो, उसको भी, बैक्टीरिया को भी मारने की पावर रखता है। एचिनेशिया है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बार बार फंगल होना, बार बार सर्दी जुकाम खांसी होना, इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, WBC काउंट को इम्प्रूव करता है। WBC जो हमारी इम्यूनिटी में फाइटर की तरीके का रोल प्ले करते हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है। इसमें चिरायता है, चिरायता बार बार बुखार आना, इम्यूनिटी कम हो जाना, वायरल फीवर बार बार आना, सर में दर्द बार बार होना, इन सारी समस्याओं को काम करता है। इसमें सल्फर है, सल्फर भी स्किन की सभी समस्याओं को ठीक करने की पावर रखता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है सल्फर। सल्फर को इसमें लोअर पोटेंसी में ऐड किया गया है। इसमें फाइटोलक्का है, फाइटोलक्का कहीं शरीर में गंदगी जमा हो रही है उसको बाहर निकालता है, शरीर में गांठ बनने की प्रवृत्ति होती है उसको रोकता है, गांठ बनने से रोकता है, कहीं ट्यूमर बनने से रोकता है, किसी भी जगह हार्डनेस होने से रोकता है। इसमें जेंसियाना लूटिया है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, भूख बढ़ाती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। इसमें टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया है, गिलोय को ऐड किया गया है। इसमें गिलोय आप देखिए कितने सारे काम करती है, वेट को भी कम करती है, गिलोय डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगस, सभी टाइप की बीमारियों को जो है, जो गिलोय है वो इन सभी समस्याओं को ठीक करता है। इसमें गिलोय को इसलिए ऐड किया गया है। इसके अलावा इसमें वेरोनिका ऑफिसलिस है। वेरोनिका ऑफिसलिस बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बहुत ज़्यादा होम्योपैथ उसको ओपनली यूज नहीं करते हैं बहुत तेजी से, लेकिन एंटी इन्फेक्शियस गजब की रेमेडी है। एंटी इन्फेक्शियस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, खासकर स्किन पे होने वाली बार समस्याओं को ठीक करने के लिए गजब की रेमेडी है। तो ये सारी रेमेडीज को सारसा सिरप में, विजल के सारसा सिरप में ऐड किया गया है। अब किन को लेना है ये इम्पोर्टेंट है, और कैसे लेना है ये दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो देखने को मिलता है। पहला किन को लेना है, अब मैंने आप जैसे आपको बताया, जिनको बार बार टाइफाइड है, जिनकी स्किन पे कॉम्प्लेक्शन खराब है, ठीक नहीं हो रहा है, झाइयाँ ठीक नहीं हो रही है, निशान है ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा फुंसी निकल रही है, बार बार फुंसी निकल रही है शरीर, कमर पे फुंसियाँ निकलती हैं, चेहरे के अलावा मोटी मोटी फुंसियाँ निकलती हैं, उनमें दर्द होता है, शरीर में खुजली है, खुश्की है शरीर में, फंगल इन्फेक्शन बार बार देखने को मिलता है, बार बार टाइफाइड फीवर हो रहा है, हर सीजन चेंज होने पे बुखार होता है, हर सीजन चेंज होने पे जुकाम होता है, सर्दी होती है,
हर सीजन चेंज होने पे खांसी देखने को मिलती है, छोटी छोटी चीजें जो फैलती हैं, छोटे छोटे जो समस्याएं सीजनल देखने को मिलती हैं, वो सारी किसी आदमी को लगती है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, स्टूल एक बार में पास नहीं होता है, बहुत चिपचिपा है, बहुत टाइट होता है, कॉन्स्टिपेशन लगातार रहता है। एक्चुअली ई कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये समस्या रहती है, उसको भी ये ठीक करता है। तो ऐसे लोगों को लगातार ये सिरप लेना होता है, और इसको 5-5 ml दिन में 3 बार लेंगे, या 10-10 ml सुबह शाम लेंगे, 10 ml सुबह 10 ml शाम, ये भी काफ़ी है। अदरवाइज 5 ml सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। कितने का आएगा? 450 ml की बोतल आपको लेनी है, क्योंकि कम से कम 1 लीटर आपको ये पीना पड़ेगा, यानी कि 450 ml की 2 बोतल आप लेंगे। एक बोतल लेंगे 450 ml की, 1 महीने से ऊपर चलेगी, दूसरी बोतल लेंगे फिर वही लगभग 3 महीने ये 2 बोतल आपकी चल जाएंगी, 5-5 ml आप लेंगे तो, या 2 महीने चलती है तो एक और ले लेंगे 3 बोतल, 3 महीने आपको लेना है। 300 350 रुपये की एक बोतल आती है, 3 महीने का खर्चा 1,000 रुपये का है, 1,000 रुपये में पूरी बॉडी आपकी जो है वो डिटॉक्स हो जाएगी। इसलिए 1,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ना कोई सब्जी काटनी है, ना कोई पत्ते काटने हैं, ना कहीं मिक्सी घुमानी है, ना कुछ छानना है, सारे जो इम्पोर्टेंट हर्ब्स हैं वो इसमें पड़े हुए हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।